कितना प्यारा है। नहीं बट मैं ये नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है मेरी ड्रेस के ऊपर। टायर पे रोजा लग रहा लग रहा तू ना दादा के जैसा दिख रहा हूँ वालों में। ये देखो मम्मी बैठ गए। अच्छे से बैठो। तुम्हारे को पसंद आई ये चेयर? अंदर पे दे रहे हैं। अंदर कुछ दे रहे रे। अरे दे रहे रे काशी तू मिस कर दे रहा रे। Assalamualaikum everyone, this is me Lovely Khan, you can call me Rukhsa also, so welcome back to my channel। तो आज का स्पेशल व्लॉग है, ऑब्वियसली आज रोजा कौन सा चल रहा है? सातवा चल रहा शायद, आठवा रोजा चल रहा। तो गाइस आज आठवा रोजा है एंड कैसे जा रहे हैं रोजे जरूर कमेंट पे करना एंड थैंक यू वेरी मच आप लोग मेरे रमजान के व्लॉग्स को लाइक कर रहे हैं। सो आप ऐसे शेयर करते रहिए मेरे व्लॉग्स को एंड आज मैं जा रही हूँ कोलैबोरेशन के क्योंकि रमजान का सबसे पहला कोलैबोरेशन है मेरा ये। तो मैं सोची कि आपके साथ शेयर करूँ कि रमजान में मैं कोलैबोरेशन कैसा करती हूँ बोल के। ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन्स तो शूट करती हूँ करती हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको कलेक्शन बताना जरूरी है क्योंकि रमजान है शॉपिंग करना अफोर्डेबल शॉपिंग कौन बताते बोलता। ऑब्वियसली मैं बताती हूँ क्योंकि मैं भी अफोर्डेबल शॉपिंग ही करती हूँ आप लोगों की तरह। तो यस गाइस कंटिन्यू करिए ब्लॉग को अभी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियोज बनाती हूँ कॉमेडी के ब्लॉग्स के और ऐसी ऐसी जिससे आपका टाइम पास हो जाए दिन में। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, ये है मेरा OTT एंड मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ था उस टाइम पे जब इच करी थी बट बहुत अच्छा खासा यूज टू भी है वो। बस मोस्टली 10 से 15 मिनट्स है तो गाइस 10 से 15 मिनट्स में मुझे सब चीज़ें वाइंड अप करना है तो मैं हेयर स्ट्रेट करके आपसे मिलती हूँ। ओके 1 2 3 एंड सो यस गाइज मेरे हेयर स्ट्रेट हो गए। मैं मैक्सिमम थोड़ा सा स्ट्रेट करी क्योंकि थोड़े से कली दिख रहे थे मेरे हेयर्स और इतना अंधेरा कहीं को आ रहा यहाँ पे व्हाटएवर। तो ये वाली ज्वेलरी मैं मीशो की पहन रही हूँ गाइस क्योंकि मैं ना आपको एक बात बताना भूल गई, मैं ऑलमोस्ट 10 पीसेस ऑर्डर करके हूँ मैं ज्वेलरीज के मीशो में और अब नहीं ऑलमोस्ट ऑर्डर करके भी मैं 3 से 4 महीने हो गए, मतलब लास्ट ईयर करी थी शायद, यस मेरे बर्थडे से पहले ऑर्डर करी थी मैं बट अभी तक पहनने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं सोचती थी कि ज्वेलरीज कहाँ पहन के जाओ किधर पहन के जाओ और मैं सोची थी कि एक ज्वेलरी का अलग कलेक्शन बताओ आपको जो मैं ईशो से ऑर्डर करी बट मेरे यूट्यूब के ब्लॉग्स इतने ट्रेंडिंग जा रहे हैं इसने तो मैं क्या बताऊँ बोल के फीलिंग आई थी तो इसीलिए नहीं बताई। तो उसमें से एक 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 निकाल के अभी पहन रही हूँ मैं। दिस इज द ज्वेलरी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मीशो की ज्वेलरी है और इसका नेक पीस ये वाला है, मैं बताती हूँ आपको। वाव कितना प्यारा है। नहीं बट मैं ये नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है मेरी ड्रेस के ऊपर, ऐसा दिख रहा मैं कुछ शादी और पार्टी वेयर में जा रही हूँ। तो ये पार्टी वेयर में आपके लिए अच्छा दिखेगा, देखिए ज्वेलरी का परफेक्ट राइट और इसकी इयररिंग्स देखिए आप। तो मैं सोच रही हूँ कि इयररिंग्स इनफ है कोलैबोरेशन के लिए जो ये वाला नेक पीस नहीं, तो ये नेक पीस मैं कैंसिल करती हूँ और सिर्फ ये हालत में जाती हूँ। तो यस मिलते हैं बाहर निकलने के बाद, जा कोलैबोरेशन करने जा रही हूँ मैं। मेरे ब्लॉग में हाय करो ताहिर भैया, सुल्तान भैया मेरे ब्लॉग में हाय करो। आज कोलैबोरेशन की जगह पे सुल्तान भैया भी चल रहे और ताहिर भैया भी चल रहे क्योंकि सुल्तान भैया की प्रोफेशनलिज्म बताने का है अपने को और मैं लेट हो रही हूँ। सो गाइस आप लोग का सही पहचान है, हम लोग आप फिर से शिफा कलेक्शन को आ गए क्योंकि यहाँ पे प्रमोशंस करना था, हम आपको कोलैबोरेशन करना था एंड यहाँ का कलेक्शन एकदम न्यू आया करते हैं आप लोग देख सकते हो, वहाँ पर स्टॉक्स यहाँ पर स्टॉक यहाँ स्टॉक माशाल्लाह इतना प्यारा स्टॉक दिख रहा है, मन का दिल माल ले रहा है यहाँ पे बैठे बैठे मेरा ही। तो मैं खुद देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद एक 6-7 ड्रेसेस उठा लूँ, क्रॉस फिंगर्स की मैं ड्रेसेस अच्छे से उठा लूँ। तो मम्मी तो अभी कार में बैठे हुए और यहाँ के ओनर भाई साहब अभी तक नहीं आए, आ रहे थे अंकल आ रहे थे अंदर तो उनका इंतजार उससे बस इस्तेमाल दिए जैसा फिर बैठे हुए रहता हूँ मैं।
लोग ना इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, इस चीज का वीडियो इंस्टाग्राम पे आता तो आप लोग ना कलेक्शन भी देख लिए जैसा होता आपको। स्पेशली मैं बोल रही हूँ आपको, मस्ट एंड मस्ट आइए आप शिफा कलेक्शन इस रमजान में तो स्पेशली, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, मेरे को शौक हो जा रही है। देखो आप क्या 2500 में, 2500 में दो पीस पसीना आ रहा है गाइस, इतना पसीना हो चुका है। क्या काशिप कैसा चल रहा? इधर किराक दिख रहा, देखो गाइस काशिप आता है टायर पे रोजा लग रहा ऐसे देखिए रोजा लग रहा। A few minutes later. So yes guys, अस्सलाम वालेकुम। मैं आते की कोलैबोरेशन के पास से रोजा भी खोल लिए थे हम लोग, आते की छलीम खाए थे। अरे अलीम खाए थे, अलीम का वीडियो नहीं लिए? नहीं लिए ना, नहीं ली मैं। यहाँ पे मेहदीपट्टनम सिटी डायमंड है, देखो वहाँ पे हम लोग हलीम खाए थे। थोड़ी सी लाइट डिम आ रही है बट इट्स ओके। तो मैं शिफा कलेक्शन के पास से इतनी मस्त इतनी फुल 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 अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करी शिफा कलेक्शन वाले का कलेक्शन। गाइस जबरदस्त है गाइस, आप लोग जाके ले ले सकते। अच्छे सीधा बैठो क्या, अगर शिफा कलेक्शन को कोई बिचारे तो दीदी का नाम लो कैसा। हाँ बराबर ले। तो गाइस ये कॉटन के ड्रेसेस है। ये सिर्फ कॉटन के ड्रेसेस नहीं है, इस पे इतना हैवी वर्क है मालूम है, इसकी ओंडी माशाल्लाह है। फोर ने थ्री पीसेस ली थी, देखिए ये वाला भी कलर माशाल्लाह मेरे को इतना प्यारा दिख रहा मालूम है। ये डिजाइन कपड़ा तो मस्त है, ईद को पहनने के जैसा ड्रेस है। तो ये वाला गाइस इतना फुल वर्क है मालूम है इसका। तो इसकी ये दुपट्टा है, तो ये इसका शलवार है, शलवार पे भी इसको वर्क है देखिए आप। तो मेरे को ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा दिखा और इसका कलर स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा दिखा। सो ये वाला, ये तो आखिरी, ये कहाँ से निकल गया, ताज़ा मेरे पास से निकला, सॉरी गाइस। तो ये वाला ड्रेस ये भी आखिरी है, देखो इसमें भी कलर कॉम्बिनेशन है। 13 से शूट कर रही हूँ क्योंकि बोले तो मेरे फोन में स्टोरेज आ गया था। सो 15 प्रो मैक्स लेके क्या फायदा, इसमें स्टोरेज आ रहे आईफोन की ये परेशानी है। नहीं गाइस, इसमें मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 व्लॉगर रखे हुए ये फोन में, तो स्टोरेज ने तो क्या था, पूरे कोलैबोरेशन के वीडियोस भरे हुए, तो ये क्लियर करना है फोन, इसीलिए थोड़ा दूर रखते हैं और अक्षय के फोन से शूट करते। तो ये मेरा ईद का ड्रेस है और मैं बताना नहीं चाहती अभी मैं, क्योंकि ईद के दिन ही देखना चाह रही। ये है मेरा ईद का ड्रेस और ये है मेरे, ये दो ईद के ड्रेसेस ली देखी मैं। वर्क और फिनिश एकदम किराके मालूम है। अगर आप लोग कुछ चाहिए तो इमीडिएटली ये दो ड्रेसेस का स्क्रीनशॉट मारो और जाके सीधा शिफा कलेक्शन वालों को बता दो, उन्होंने निकाल के बता देते कि हाँ भाई ये वाला ड्रेस। बट इतना है कि मैं एक और एक जो चीज मेन इम्पोर्टेंट मेरे को जो पसंद आई इसकी, ये शलवार जो बॉटम पे जो इसका वर्क है ना, आहा इस पे भी क्या वर्क है मालूम है। बॉटम पे थोड़ा सा फिटिंग करने की जरूरत है, देखिए इस पे बॉटम पे भी कितना एकदम परफेक्ट पाकिस्तानी सूट बोलते ना, तो ये है वो परफेक्ट पाकिस्तानी सूट। अर्षा का क्या है? अर्षा तो बताती इसने देखे अम्मी, और वो आज सुबह में गैस का सिलेंडर आ गया था गाइस, इसलिए वो वहीं रखा हुआ है, प्लीज डोंट माइंड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज है day 2। कल आपने देखा होगा कि हम लोग शिफा कलेक्शन को गए थे और शिफा कलेक्शन से जितने भी चीजें परचेस करी थी आपको मैं शो करी थी। तो आज है नेक्स्ट कोलैबोरेशन, मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि
कोलैबोरेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको बताना, क्योंकि वो फर्नीचर की शॉप है, इंशाल्लाह यूट्यूब पे इंस्टा पे आएगा तो आप लोग देख लेना। बट स्टिल आज का डे कैसा जाएगा वो बोल के बताएंगे सोची। बट उससे पहले एक चीज आपको बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पिकल्स अचार। अगर आप लोग अचार लवर्स हो, स्पेशली मटन चिकन फिश बीफ, आपको कस्टमाइज अचार भी चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल्स में यानी तो करेले में और दूसरे दूसरे चीज़ों में भी कस्टमाइज चाहिए। अगर आपको चिकन के मटन के अचार में भी कुछ कम मिर्ची मसाला कम कराना है तो वो सारी चीज़ें भी कस्टमाइज करके दे देते हैं। ये मटन का अचार है और चिकन का अचार और वेज का अचार ली, जिसमें पूरे सारे तरकारियाँ मुझे डाल दूंगी। इंस्टाग्राम का पेज आप लोग जाके देख सकते हैं और यहाँ पे फोन नंबर भी है तो फोन नंबर भी डाल दूंगी, आप दो भी चेकआउट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर दीजिए। और उन्होंने होम डिलीवरी भी है, उनके पास शॉप भी है शायद। तो यस गाइस, ये जरूरी था मेरे को बताना। सो गाइस, यहाँ पे आपको ना ऑफर में मिल रहा कॉम्बो में जो ये मैट्रेस आती और पिलो कवर्स, डाइनिंग टेबल और अलमारी एंड दिस सोफा और वो ड्रेसिंग टेबल। तो ये सारे प्राइजेस का है अमाउंट 80,000। मैं बोली थी ना कि कोलैबोरेशन के लिए आई थी, तो यही है ये कोलैबोरेशन। आपको सोफाज भी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं और कॉम्बो ड्रेसेस भी, सॉरी कॉम्बो ड्रेसेस कहते हैं, कॉम्बो फर्नीचर। हमेशा अपन क्या सुनते हैं, कॉम्बो ड्रेसेस सुनते हैं ना, तो कॉम्बो फर्नीचर में एक बार बताना चाह रही हूँ यहाँ का व्यू। मैं एक्चुअली मैं सोची थी कि मैं फर्नीचर का व्लॉग शूट नहीं करूँगी, बट यहाँ का फर्नीचर देख के मैं ना लिटरली शॉक हो गई। और यहाँ की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मिरर्स, सोफास, तो मैं सोचा कि एक बार व्लॉग में बता दूँ, क्योंकि आप MS फर्नीचर आइए, यहाँ के बहुत सारे आउटलेट्स भी है। इज द सोफा साइट गाइस, यहाँ की स्टार्टिंग प्राइस आपको कितने में मिलेगी? 18,500। तो सोफा मेरे को ये सिंगल सोफा अच्छा दिखा, क्योंकि यहाँ पे सुकून से अपन मस्त आराम करके बैठ सकते हैं। और ये पूरा, ये जितने भी आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं, कलर भी करा सकते हैं। और ये जितने भी सोफा से अभी फिलवकत ऑफर्स में चल रहे 32, 33, 34 ऐसे चल रहे पूरे प्राइजेस। तो एक बार आप पूरे सोफा का कलेक्शन भी देख लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि आप रील्स में जाके देखना बोल के हमारा बस। और पुश करिए, बैक पुश करिए, तो ना दादा के जैसा दिख रहा हूँ वालों में राइट दादा भी ऐसी चीज कर लेते बैठते चल मम्मी आई कर दो ब्लॉक में, ऊपर पूरे फर्नीचर देख लेके आए हम लगा, बाहर से एक बार ले लेते। चलो डन, मार्केट प्राइस 75,000 है और यहाँ पे से 55,000 में है। मार्बल टी टेबल इसके साथ फ्री में मिलता है। YouTube का ले रहा हूँ, ये देखो मम्मी बैठ गए, अच्छे से बैठो। तुम्हारे को पसंद आई है चेयर? हमें अच्छे से बैठो, अच्छा स्टाइल लेके बैठो। ऐसे यहाँ पे डाइनिंग टेबल के साथ बिग बैंग फ्री है करते। तो ये पूरा 80% ऑफ है सब चीजों का, अप टू 80% ऑफ, तो 80 बोल ठीक है। चलो गाइस 80% ऑफ है करते, ये वाला पसंद आया। ऊपर और अच्छे मम्मी, ऊपर का नहीं देखे तुम? चलो ना चलेंगे ना, अब बस कर गई अम्मा बस। हाँ मिराज मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मेरा चैनल भी है देखिए, लवली खान बोल के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे सब्सक्राइब कराइए, ब्लॉग शेयर करती हूँ मैं इस पर। चलिए काशी, सोफा इतने पसंद आ गया, रहना आज दिल बोल रहा ये लेंगे। अच्छा उसमें रखने का ऑप्शन है ना, इसीलिए। मिराज भैया कितने का है ये? 45,000, ये अच्छा है। पहुंचते हो गए? नहीं, आराम से चलो, कैसा भी इफ्तार रोस्ते में चोता।
सुकून से चलो गाड़ी। हम लोग अभी तक नेकलेस रोड पे थे और वहाँ का सो गाइस टाइम हो गया है 30 है मगर की 32। कल हम लोग शॉप में खोले थे और कार में खोल रहे हैं आज, तो आज कार में दुआ मांगना जैसा दिख रहा है। तो चलो वकीनाजाबन्नाथ वकीनाजाबन कब्र वकीनाजाबन तुलसी रोड वकीनाजाबन हर्ष। या अल्लाह जो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों को किसी का मोहताज ना बना। या अल्लाह फलस्तीन लोगों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन लोगों के साथ इंसाफ होना। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर। हम लोग दुआ में भी गाड़ियों के रिलेटेड बात कर रहे हैं। 32 हो गए बट सायरन नहीं हुआ, मतलब आज 33 को है शायद। आप लोग कभी भी ऐसा खोलेगा इस कार में रोजा जरूर कमेंट करना। अब आ रही सायरन की आवाज क्या कार से निकल जाती है चंपा? चलो शैतानी बची बिस्मिल्लाह रमजान का फर्ज रोजा थी मैं, मेरा रोजा कबूल करो। इल्ला खिला रहे सोते की जगह पे अपन ठहर के खा लेंगे। अम्मा को भी कोई इफ्तारी को दे दो। हमला सिर्फ खजूर ही खा के अम्मा को भी कोई इफ्तारी को दे दो। अंदर पे दे रहे अंदर कुछ दे रहे रे। अरे दे रहे रे काशी तू मिस कर दे रहा रे। नहीं यार नहीं दे रहे। सो गाइस हम लोग को फाइनली मिल गया कुछ खाने के वास्ते, वो भी मैथी पट्टा मार्केट। तो मैं सोची आपको बताएंगे कुछ खाने से पहले। ये है स्प्रिंग रोल्स। कैसे मतलब ये दुकान है तो प्लीज हम लोग तैयार करके भेजो ना, क्योंकि ये बहुत पसंद है मेरे को पसंद है एक्चुअली। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मेरा रोजा खुल गया, सबका रोजा खुल गया। मेरे से 2000 years later. So yes guys, back to the home finally. तो दो दिन से चल रहा था ये व्लॉग, तो आज मैं डी एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर इसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। तो जरूर बोलना कमेंट करके कि आपको ये रमजान के सीरीज अच्छे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। और एक एक बात गाइस कोलैबोरेशन की चीजें इसीलिए आपको बता रही, क्योंकि जितने भी कोलैबोरेशन कर रही हूँ अभी भी पूरे चॉइस करके कर रही हूँ भाई, बिकॉज ये चीजें आपको हेल्प होना। सो गाइस मिलते हैं हम अब नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक खुश रहिए, मेरे व्लॉग देखते रहिए, अपनी फैमिली को खुश रहिए। रमजान में मेरे फैमिली को और मेरे को स्पेशली दुआओं में याद रखिए। और ये व्लॉग कैसा दिखा जरूर कमेंट करके बोलना। तो यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और बेल आइकॉन प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन आए मेरे वीडियो अपलोड करने की। अल्लाह हाफिज़।